कर दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिर नॉज पे। एनएचपीसी के शेयर में अभी क्या करना चाहिए, 90 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है, क्या इसका टारगेट प्राइस होना चाहिए, टेक्निकली शेयर कैसा है और क्यों ये शेयर तेजी बना सकता है आगे चल के, क्या ऐसा चीज़ चल रहा है जिसके चलते एनएचपीसी में एक बुलिश पैटर्न भी हम लोग को बनता हुआ देखने को मिला है कुछ दिन पहले, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। रिक्वेस्ट करते दोस्तों वीडियो पर पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। एनएचपीसी के शेयर में एक दिन में 1.6% के आसपास गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 2.2% के आसपास तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है और एक महीने में 12.3% के आसपास गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनएचपीसी के शेयर इसको फिलहाल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा गया है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है और गेटिंग एक्सपेंसिव है ये शेयर। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं एनएचपीसी का, जो कि 65 out of 100, वैल्यूएशन 41.50 out of 100, मोमेंटियम 66.80 out of 100। अभी यहाँ पे एनएचपीसी का एक महीने का डिटेल्स देखते हैं हम लोग। एक महीने में एनएचपीसी के शेयर ने जो हाई प्राइस बनाया है 105.25 पैसे का और जो लो प्राइस बनाया है 77.50 पैसे का, और यहाँ पे एक हफ्ते का जो इसका हाई प्राइस है 95.50 पैसे का और जो लो प्राइस है 88.20 पैसे का। एनएचपीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते जो कि 90,455.5 करोड़ का है, प्राइस टू बुक रेशियो 2.2 है, जो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं है। एनएचपीसी का जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, तो टेक्निकली शेयर दोस्तों बोल सकते कि एक जो है बुलिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। वही देखते हैं यहाँ पे जो आरएसआई इंडिकेटर है, आरएसआई इंडिकेटर कह रहा है ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पर है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पर है, और मैकडी इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक न्यूट्रल लेवल पर फिलहाल चल रहा है। एनएचपीसी का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बोल सकते हैं कि जो इसका बीएससी और एनएससी मिला के एक दिन का एवरेज देखने को मिल रहा है, एक दिन का बीएससी एनएससी मिला के आप देख सकते हैं 66.2 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज 28.8% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 19 मिलियन का है। एक हफ्ते का बीएससी एनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 79.1 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 27.3% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 21.6 मिलियन का है। एक महीने का बीएसएनएस मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 166.8 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 22.8% का है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 38 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एनएचपीसी के शेयर का जो डिलीवरी परसेंटेज है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 70.95% का स्टेक है, FIS के पास 7.38% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 8.17% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.78% का स्टेक है और पब्लिक के पास 6.73% का स्टेक है। तो अभी एनएचपीसी में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते स्टॉक में तेजी बन सकता है। देखिए एनएचपीसी जो कि बोल सकते कि अभी एक तरीके से जो है इसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है और फंडामेंटली भी एक बोल सकते कि स्ट्रॉन्ग कंपनी। अभी देखिए एनएचपीसी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके चलते जो एनएचपीसी शेयर है इसमें अगर आप देखते हैं तो शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उन लोगों ने भी बोला है कि आप खरीदारी करके चल सकते हो, एक टारगेट प्राइस भी दिया है वो हम लोग इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। एनएचपीसी को जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो मिला है उत्तर प्रदेश का, 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, 796.96 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहाँ पे एनएचपीसी 1200 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करेगा और इसके लिए एनएचपीसी 796.96 करोड़ का जो है इन्वेस्ट करने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे एनएचपीसी का देखेंगे तो शेयर जो है उसके चलते भी एक तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे मंडे को लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट थ्रू वर्चुअल मोड, तो यहाँ पे जो एनएचपीसी का बोल सकते कि ये जो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में उसका जो स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन है, नरेंद्र मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ओर से वर्चुअली जो है रखा गया है। एनएचपीसी इज एन एक्सचेंज फाइलिंग स्टेटेड दैट द जालुआन उत्तरा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क है ये एट उराया इन द जालुआन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे ये लोग ये प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर रहा है बना रहा है और इसका जो सब्सिडरी है एनएचपीसी का सब्सिडरी है बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
ये बना रहा है जहाँ पे ये लोग 796। अभी ये जो पार्क है प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड, जो कि 24 मंथ्स के अंदर, 2 साल के अंदर ये पार्क को बना के कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो आप देख यहाँ पे जो है लगभग 2400 यूनिट्स जो है ये हर साल इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे मतलब बोल सकते कि जो यूनिट्स है ये जनरेट करेगा, जिसके चलते एनएचपीसी को आगे चल के बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और एनएचपीसी का देख सकते हैं यहाँ पे जो कि बोल सकते कि जो एनएचपीसी ये जो है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विथ कैपेबिलिटीज टू अंडरटेक ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम जो इसका बोल सकते कमीशनिंग ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट से। तो ये एक एनएचपीसी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके चलते अगर देखेंगे तो शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उनको भी एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एनएचपीसी को लेके जो कुछ दिन पहले एक टारगेट दिया गया था, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कब का ये टारगेट दिया गया था एनएचपीसी का और एनएचपीसी के शेयर को लेके। तो शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो है ये कुछ दिन पहले ये टारगेट दिया है एनएचपीसी के शेयर में। और ये टारगेट दोस्तों एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़्यादा फिलहाल जो है शेयर का प्राइस जो है लगभग 90 के आसपास ही चल रहा है। तो अभी यहाँ पे जो टारगेट प्राइस इन लोगों ने दिया है जो कि यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, जो कि 97.50 रुपीज़ का एक टारगेट प्राइस है, 97.50 पैसे का, मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट प्राइस नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है एनएचपीसी के शेयर में जो तेजी बनाया था, शेयर का प्राइस जो है 100 रुपये के ऊपर पहुंच गया था। तो यहाँ पे जो है ये टारगेट प्राइस दिया गया है 97 रुपीज़ का, और स्टॉप लॉस दिया गया है 90.40 पैसे का। तो ये एक बहुत बड़ा बोल सकते कि अपडेट है। जिसके चलते एनएचपीसी के शेयर में जो है हम लोग को एक तेजी भी बनता हुआ देखने को आगे चल के मिल सकता है। एनएचपीसी का यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो शेयर का प्राइस अगर देखते हैं तो पिछले सात दिनों में जो एनएसपीसी के शेयर में लगभग 3.8% के आसपास जंप देखने को मिला है। वही बात करते हैं म्यूचुअल फंड जो है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का होल्डिंग 7.42% था, वो बढ़ के जो है 8.17% किया गया है म्यूचुअल फंड की ओर से। एंड यहाँ पे एक मतलब देखेंगे एनएसपीसी का शेयर जो है इसका मतलब जो एक तेजी बना और शेयर का जो बोल सकते कि एक रिटर्न भी अच्छा खासा दिया है, वही आप देख सकते हैं कंपनी का मतलब एनएचपीसी का जो पिछले 2 क्वार्टर का हम लोग इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो प्रॉफिट है 1.54 करोड़ से घट के जो है 491.9 करोड़ का हुआ है। मतलब इसका जो प्रॉफिट है कंपनी का अगर आप देखते तो जो Q3 24 का भी रिजल्ट आया था तो उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला, और पर क्वार्टर 62.2% के आसपास जो है प्रॉफिट इसके जो है इसमें गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। रिटेल शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो रिटेल शेयर होल्डर्स दोस्तों यहाँ पे जो स्टेक है 7% के आसपास था, घटा के जो है 6.73% के आसपास कर दिया है। और वही FIS के पास जो है स्टेक था 7.59% का, स्टेक घटा के जो है 7.38% का कर दिया है। तो यहाँ पे फिलहाल कंपनी का जो एनएचपीसी का रेवेन्यू की बात करते तो पिछले 2 क्वार्टर में रेवेन्यू देखते तो 3.19 करोड़ से घट के जो है 2.64 करोड़ हुआ है। तो पर क्वार्टर रेवेन्यू देखते हैं तो 17.2% के आसपास गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का रिजल्ट वगैरह कुछ खास नहीं आया Q3 24 का, फिर भी कंपनी के शेयर में एनएचपीसी के शेयर में एक जबरदस्त हम लोग को तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट हैं 67% का मानना है कि ये शेयर में बाई करके चल सकते हैं, होल्ड करने के लिए 0% कह रहा है, सेल करने के लिए 33% कह रहा है। तो ज़्यादातर जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट हैं उन लोगों का मानना है कि एनएचपीसी के शेयर में हम लोग बाई करके चल सकते हैं। एनएचपीसी का दोस्तों देखते हैं एक दिन में जो है स्टॉक का और जो मतलब हाई प्राइस इसने बनाया था 98.55 पैसे का, और 52 का लो प्राइस था 38.70 पैसे का, और 52 का हाई प्राइस था 115.85 पैसे का। एक महीने में देखते हैं दोस्तों, एक महीने में जो एनएचपीसी के शेयर में लगभग 11.28% के आसपास गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। 3 मंथ्स का देखते हैं तो 48.48% के आसपास, माफी 42.48% के आसपास तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। और एक साल में 116% के ऊपर इसने रिटर्न दिया है, 116.21% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है, फिलहाल शेयर में गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर खरीदारी करता है तो बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है एनएचपीसी के शेयर को लेकर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है, रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।